देखिए। जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे, वहाँ पर ये हुआ इतना बृहत कार्यक्रम है तो पूरे भारत वर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पराकाष्ठा पर है। सबसे पहले मोक्षदायिनी सरयू की पूजा की जाएगी। कलश में सरयू का जल लेकर गर्भगृह की तरफ लाया जाएगा। उसके बाद यजमान का शुद्धिकरण होगा। जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे, वहाँ पर यह हुआ इतना बृहत कार्यक्रम है तो पूरे भारत वर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में यजमानों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। प्रभु राम की नव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुख्य यजमान को कड़े नियम में रहना होगा। 22 जनवरी को 84 सेकंड का मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शास्त्रानुसार मुख्य यजमान एक दंपत्ति का ही होना जरूरी है। 8 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। यजमान को 45 सख्त नियम पर चलना होगा, जिसमें रोज स्नान, बाहरी भोजन वर्जित है, अहंकार मत से दूर, क्रोध नहीं करना है, मन विचलित करने वाले किसी दृश्य से दूर रहना है, सत्य व्रत का पालन करना होगा, अन्यथा मौन रहना होगा, ब्राह्मण सेवा करनी होगी, नम्रता का व्यवहार करना होगा, दिन में शयन वर्जित होगा, लकड़ी की चौकी पर सोना होगा, रोज दाढ़ी और नख निकालना वर्जित है। वेशभूषा के लिए भी नियम बनाए गए हैं। उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं, तो इस तरह से रहना, इस तो उन नियमों को दिया गया, उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है।